बहराइच में दंगे वाली साजिश किसने रची, लगातार इस बड़ी खबर पर हम भरे हुए हैं। यूपी के बहराइच में नॉनस्टॉप बवाल जारी है। मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे बंद कराने का विवाद इतना बढ़ गया कि दो समुदाय आमने सामने आ गए। जुलूस में शामिल लोगों पर पत्थरबाजी हुई, खुलेआम गोलियां चलाई गई, जिसमें 22 साल के गोपाल मिश्रा की मौत हो गई। गोपाल मिश्रा की मौत के बाद पब्लिक गुस्से में है। आज भी बहराइच में जबरदस्त बवाल हो रहा है। हजारों की भीड़ लाठी डंडों के साथ सड़कों पर उतरी। भीड़ का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दाग रही है। ड्रोन से प्रदर्शनकारियों पर नजर रखी जा रही है। हालात को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन ने बहराइच जिले में इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है। लेकिन जो कुछ बहराइच में हुआ वो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। चाहे बाइक का शोरूम हो, अस्पताल हो, घर हो, हर जगह तोड़फोड़ और आगजनी की तस्वीरें लगातार सामने आई। फिलहाल ये जो तनावपूर्ण स्थिति थी या जहां पर उपद्रवी इकट्ठा हुए थे, वहां से उपद्रवियों को जरूर तितर बितर कर दिया गया है। लेकिन बहराइच में जिस दौरान भीड़ तांडव मचा रही थी, आगजनी कर रही थी, तोड़फोड़ कर रही थी, हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ग्राउंड पर ही मौजूद थे। भीड़ कितनी आक्रोशित थी, आपको उनकी एक रिपोर्ट से समझाते हैं। आप में बता रही हैं कि क्या कुछ बहराइच में हुआ या जिस इलाके में भीड़ इकट्ठा हुई थी वहां पर भीड़ ने क्या किया है। चाहे अस्पताल हो, चाहे बाइक शोरूम हो, चाहे घर हो, या फिर सड़कों पर खड़े वाहन ही क्यों ना हो, हर जगह तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है। काला धुएं का गुब्बार इस इलाके में आसमान में दिखाई पड़ रहा है, जो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि गोलीकांड पर लोगों का गुस्सा किस कदर बढ़ गया और कैसे इस गुस्से की आड़ में माहौल को खराब करने की कोशिश की गई, उपद्रव मचाने की कोशिश की गई है। अब आइए आपको यह भी बताती हूं कि इस मामले में अभी तक पुलिस की तरफ से क्या क्या एक्शन लिया गया है। अभी तक 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिनके नाम है अब्दुल हमीद, फहीम साहिर खान, सरफराज ननकव, मारूफ अली। पुलिस की अलग अलग टीमें आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही हैं, लेकिन परिवार यह आश्वासन चाहता है, मृतक के परिवार को यह आश्वासन चाहिए कि जब तक आरोपियों को या दोषियों को मौत की सजा नहीं मिल जाएगी, लिखित में आश्वासन नहीं मिल जाएगा, तब तक वो शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, और इसीलिए लगातार समझाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल भीड़ को लीड कर रहे हिंदू संगठन के नेता ने भी भीड़ को समझाने की कोशिश की, शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसे देखकर यह लग रहा है कि भीड़ का गुस्सा किसी भी कीमत पर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप लोग थोड़ी शांति रखिए, जिस कार्य के लिए आप लोग आए हैं, आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना निवेदन है कि कानून अपने हाथ में आप लोग मत लीजिए, कानून को अपना काम करने दीजिए। हमारी जो डीएम साहब है वो हम लोगों को आश्वासन दे रही है, आप प्रतिष्ठित लोग आप बलक बाहर निकल करके आपस में बात कर लीजिए, और बात करने के बाद जो निर्णय आप लोग लेते हैं। अब देखिए, प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश बहुत की गई लेकिन ये समझे नहीं, और उसके बाद आगजनी की तस्वीरें, उपद्रव की तस्वीरें सामने आई। फिलहाल प्रदर्शनकारी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के साथ बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। सख्त कार्रवाई का आश्वासन न मिलने तक पब्लिक गोपाल मिश्रा के अंतिम संस्कार से भी इनकार कर रही है। बहराइच के महाराजगंज तहसील इलाके में कल देर शाम से बेहद तनाव है। गोपाल मिश्रा जो कि दुर्गा जी का जो विसर्जन होता है उस यात्रा में शामिल हो रहे थे, लेकिन जिस तरीके से समुदाय विशेष के लोगों ने घर में घसीटा और गोपाल की गोली मार के हत्या की, उसको देखते हुए जो लोकल लोग हैं यहाँ पर, उनके मन में जबरदस्त तरीके से गुस्सा है पुलिस के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, और इसीलिए वो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इंसाफ हो, जल्द से जल्द सारे मामले की कार्रवाई पूरी की जाए, और वो ये भी चाहते हैं कि जो आरोपी सलमान है जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। यही इन लोगों की मांग है, यही वजह है कि बड़ी संख्या में आप देखिए कि यहाँ पर जो बहराइच में लोग हैं वो जबरदस्त तरीके से गुस्से में है, जबरदस्त तरीके से नाराज हैं, और हाथों में इस समय डंडा लिए हुए बाकायदा यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के जा रहे हैं। आप ठीक मेरे पीछे देखिए कि जो इलाके की डीएम है, जिले के एसपी हैं, वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और सारे लोग इस समय लोगों को समझाने का, बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन
लोगों की एक ही मांग है कि जिस तरीके से उनके साथी की निर्मम हत्या की गई है उसी तरीके से आरोपी के घर पे भी बुलडोजर चले, और यही वजह है कि फिलहाल अभी यहाँ पर जो मृतक हैं गोपाल मिश्रा उनकी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया है। लोग चाहते हैं कि कड़ी कार्रवाई हो। आप लोग क्या चाहते हैं बताइए जरा। ये लोग जो है जो गोली मारे हैं इनके घर पे बुलडोजर चले, और एसओ की एसडीएम की और चौकी इंचार्ज की मौजूदगी में दो घंटे तक विवाद होता रहा। एसडीएम साहब और एसओ साहब देखते रहे, उनके सामने गोली चली। और ये लोग बोलते रहे कि अगर आप लोग ज्यादा आगे बढ़ोगे तो ये लोग जब निकलेंगे तो हमें खींच कर प्लास से नाखून उखाड़े गए, प्लास से देख लीजिए गोपाल मिश्रा के। गोपाल इसके बाद उनके सामने एक और मौत हुई है जो कल घायल हुआ था, उसी में सत्यवान मिश्रा सामने सर पैरों से विकलांग था, ट्राली में मूर्तियों के साथ बैठा था, उसके साथ खींच कर लेकर गए, उसके बाद मारा हम लोगों ने। ये देखिए जो लोगों को गुस्सा है, जो नाराजगी है इसी बात को लेकर क्या है, और फिलहाल जो जिले की डीएम है, जिले की एसपी है, ये मौके पर मौजूद हैं। कोशिश की जा रही लगातार कि किसी भी तरीके से लोगों को समझाया जाए, मनाया जाए, लेकिन लोग फिलहाल अभी मानने को तैयार नहीं हैं। जो गोपाल मिश्रा है, गोपाल मिश्रा का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर आ गया है। परिवार की मौजूदगी में फिलहाल आप देखिए कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो लगातार ये बातचीत कर रहे हैं कि किसी तरीके से मौके पर समझौता हो सके, मान मनोवल हो सके, अंतिम संस्कार हो सके, और उसके बाद प्रशासन इस बात का भरोसा दे रहा है कि कार्रवाई की जाएगी।